बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में अफ्तार टाइम में आपको खुशामदीद। बिल्कुल अफ्तार का टाइम होने लग रहा है, करीब करीब है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तो रोज़ा खुल चुका होगा, लेकिन मैं आपको आइडिया देती हूँ अगले दिन के लिए कि आप अगले दिन क्या बनाएं। और मैं आपसे कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप भी शेयर करें मेरे साथ कि आप क्या बना रहे हैं, आपका मेन्यू क्या है, अफ्तार मेन्यू। तो आज का अफ्तार मेन्यू जो है हमारा थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि मेहमान हैं घर में मौजूद। तो आज जो है फ्रूट चाट, देखें थोड़ी ज़्यादा है मिकदार में, आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ जो मैं आपको फ्रूट चाट दिखाती हूँ वो थोड़ी कम होती है। तो थोड़ी ज़्यादा है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट हो गई एक तो ये, ठीक है। दही बड़े हैं, मैंने कहा था मेहमानों से कि चना चाट बना ली जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दही बड़े ही ठीक हैं। तो दही बड़े भी हैं और मिकदार में थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा जी खजूरें, जिसके बगैर रोज़ा अफ्तार नहीं होता, और तरबूज है जो कि काट लिया है हमने, और खरबूजा भी काट के रख लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें, आंटी मेरी जो हैं वो पकोड़े फ्राई कर रही हैं, और पकोड़े जो हैं वो काफ़ी स्पेशल है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो आंटी, आप पकोड़े फ्राई कर रही हैं, आपको रोज़ा तो नहीं लग रहा आज? नहीं बेटा, रोज़ा तो सब्र अच्छा, रोज़ा वाकई सब्र का नाम है, रोज़ा वाकई सब्र का नाम है, सही कह रही हैं आप। तो आंटी कर रही हैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई, और इसके बाद पकोड़े जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं बाकी के आइटम्स भी आपको दिखाती हूँ। और आंटी जो है ना पकोड़े जो है ना हरी मिर्च के साथ फ्राई कर रही हैं, जो कि देखने में जो है ना बड़ी मुंह में पानी लाने वाली लग रही है। तो यहाँ पर देखें पकौड़े फ्राई भी हो चुके हैं और बड़े अच्छी लुक लग रही है इनकी। और यहाँ पर देखें हरी मिर्चों के साथ, फुल हरी मिर्चों के साथ कट लगा के तो पकोड़े जो हैं वो फ्राई हुए हैं। अच्छा, पकोड़ों के साथ मैं आपको बताऊं बड़ी ख़ास चटनी है, और इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं आपको दे चुकी हूँ। आलू की चटनी है ये, और इसकी रेसिपी मैं पहले मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़ेदार चटनी है, ख़ास चटनी है ये पकौड़ों और समोसों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हो रहे हैं पकौड़े फ्राई, और ये जो है ना यहाँ पर निकाल देते हैं हम, और हरी मिर्च वाले पकोड़े हैं ये देखें, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अच्छा जी, पकोड़े फ्राई हो जाएं तो बाकी के आइटम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखा आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। पकोड़े हो गए हैं फ्राई, तो अब जो है ना आंटी कर रही हैं कीमे वाले समोसे फ्राई, ठीक है। ये देखें कीमे वाले समोसे फ्राई हो रहे हैं, और इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है ये रेसिपी भी। तो आंटी, आप थक तो नहीं ना रही रोज़ा रखें? नहीं बेटा, रमज़ान में कौन थकता है। तो आंटी बहुत काम करती हैं, मैं बड़ी खुशी से ये काम करती हूँ, मुझे जी सवाब है ना बाकी लोगों के लिए भी, रोज़ेदारों के लिए काम करना। तो आंटी बड़ा काम करती हैं, आंटी थकती नहीं है। तो समोसे भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो आज का मेन्यू बड़ा ख़ास था, आपको कैसा लगा ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके, आज की वीडियो के बारे में लाजमी बताना है। और आंटी आप सबको सलाम दे रही हैं, और आपने जवाब देना है कमेंट करके, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है लाइक कमेंट शेयर करने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को एंड तक देखने का भी बहुत शुक्रिया, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और समोसे भी गरम गरम बहुत मज़ेदार, और साथ में आलू की चटनी के साथ जो कि बहुत ही ख़ास फरमाइश के साथ बनाई जाती है। और यहाँ पर जो है ना चाय भी यहाँ पर रख रहे हैं हम, क्योंकि चाय जो है ना, हस्बैंड आपको मैं बता चुकी हूँ कि हस्बैंड जो है ना अफ्तारी के फ़ौरन के बाद ही ना चाय चाहते हैं, तो उनको उनके लिए मैं पहले से ही स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ। तो बाकी के समोसे भी हो रहे हैं फ्राई। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। यार दो मिनट सब्र तो बंदा कर लेता है ना।